कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मशीन लगा दी है मैंने और खाना वगैरह बन गया है बच्चों का। 9:30 बज रही है, टिफिन बना दिया था बच्चों का, तो खाना वगैरह बन गया है। अभी दोपहर के लिए बनाना बाकी है, तो सब्जी रखी है उनके लिए, रोटी बना दूंगी। और मेरा है फास्ट, तो मॉर्निंग के काम स्टार्ट हो गए हैं। अभी लगाऊंगी पोचा और करूंगी क्लीनिंग करूंगी और दोपहर के लिए बना के रख दूंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो अभी करते हैं काम की शुरुआत यहाँ से। अभी तो बर्तन हैं जो जो क्लीन करने हैं उन्हें क्लीन करूंगी। तो दूध रख दिया है, जो बचा था वो दूध मैंने रखा है फ्रिज में। और पोछा लगाना है, पर लाइज़ोल ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पर मैंने एक ढक्कन भर के डेटॉल डाल दिया है पानी में, बकेट में। तो अभी उसमें पानी ले लूँगी, तो आज डेटॉल से ही लगाना पड़ेगा क्योंकि लाइज़ोल लाना है, ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है और पोछा स्टार्ट करूँगी। और बर्तन भी रख लिए हैं उधर, बर्तन भी क्लीन करने हैं। तो पहले लगा देते हैं पोछा, क्योंकि घर साफ़ हो जाए तो फिर बर्तन वगैरह तो और भी हैं, तो थोड़ा टाइम बाद होंगे तो भी चल जाएगा, पर पहले घर साफ़ हो जाए तो ही बेटर लगता है। जब तक पोछा नहीं लगे तब तक अजीब सा लगता है, मुझे नहीं पसंद आता है मुझे पोछा नहीं लगे तो भी। तो यहाँ पर बाहर एक दो सीढ़ी बनी हुई है, स्टेप बने हुए हैं, तो उनको पहले मैंने क्लीन कर लिया है, क्योंकि वहाँ से होकर ही आते हैं, फिर अंदर गंदा होता है, फिर बारीक बारीक धूल मिट्टी आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है। और स्टूल वगैरह हैं कुछ हो, तो उन पे भी मैं ऐसे ही घुमा देती हूँ ताकि धूल मिट्टी कुछ भी हो तो वो भी क्लीन हो जाए। प्लास्टिक के ही हैं तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। लग रहा था कि मुझे थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, तो फिर मैंने यहाँ लाइट ऑन कर दिए, तो देख सकते हैं डिफरेंस आप। तो चलिए फटाफट से लगा देते हैं पोछा और उसके बाद करते हैं आगे के काम। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जिस तरीके से करती हूँ उस तरीके से आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए पोछा लग गया है और अभी मैं बना दूँगी रोटी। रोटी बना के रख लूँगी ताकि यहाँ पर गैस वगैरह ठंडा हो जाए, तो बर्तन वर्तन क्लीन करके गैस क्लीन कर दिया जाए, क्योंकि पोछा हो चुका है और सिर्फ रोटी ही बनानी बाकी है, तो वो बना दूँगी। और मशीन लगा दी है, मशीन चल रही, कपड़े धुल जाएंगे, रोटी बनाऊँगी तब तक कपड़े भी धुल जाएंगे, तो उन्हें सुखा दूँगी। तवा देख लिया है मैंने, चेक किया है तो गर्म नहीं हुआ था, इसीलिए ऐसे हाथ ऊपर लगा कर देखो तो पता चल जाता है कि गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बस हो ही गया था लगभग गर्म, तो फिर मैंने डाल दी है रोटी।
यहाँ पर रोटी बन गई है तो बर्तन क्लीन कर लूँगी मैं, और सारा काम साथ साथ में होता रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इकट्ठा करके रखना नहीं समझ में आता है मुझे। तो ये कुछ दो बर्तन पड़े थे अंदर, तो उनको अपनी जगह पे रख दिया है, वरना ये भी गीले हो जाएंगे क्योंकि दूसरे बर्तन रखूँगी तो मैं। और सबसे पहले चकला को क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि फिर पत्थर का है तो डर रहता है, अंदर सिंक में नहीं रखती हूँ मैं कि फूट ना जाए ये सोचकर। तो पहले सबसे पहले उसको क्लीन कर लेती हूँ, बेलन और चकला दोनों को पहले क्लीन कर लेती हूँ। का कुकर है तो उसमें पानी भरना पड़ता है, तो मतलब 2-4 दिन में एक बार भरना पड़ता है। यहाँ पर होल है, सीटी लगी हुई है, तो उसमें मैंने भर दिया है पानी क्लीन करके पहले उसको अच्छे से, और लगभग 1 गिलास जितना पानी आ जाता है। तो 2-3 दिन नहीं भरना पड़ता है, 2-3 दिन में बाद फिर वो भरना पड़ता है। तो इसमें सीटी आती है, ढक्कन लगा के कुकर रख दो तो दूध निकलता नहीं है, मेरा अक्सर निकल जाता है तो फिर मैं इसका यूज़ ही ज़्यादा करती हूँ। तो ढक के रख दो, सीटी आ जाती है तो ठंडा हो जाता है, फिर फ्रिज में रख लेती हूँ ऐसे ही इसको। तो सुबह सुबह इजी हो जाता है दूध रख के, आप इधर उधर अपने कुछ छोटे मोटे काम भी निपटा रहे हो तो दिक्कत नहीं आती है, इसीलिए तो ये ही कुकर रखती हूँ मैं, मिल्क कुकर है ये। तो ये देखिए बर्तन हो गए हैं क्लीन, और पानी मैंने वहाँ से अच्छे से क्लीन कर दिया है, और यहाँ पर अभी हो गया है गैस क्लीन। तो पहले साबुन का मैंने स्क्रॉच वाइट से मैंने उसको अच्छे से घुमा दिया है स्क्रब से, और उसके बाद फिर मैंने कपड़ा गीला करके घुमा दिया है, साफ़ कर दिया अच्छे से। और डीप क्लीन जो करती हूँ तो मैं पानी डालकर वो करती हूँ, मैं तो 10 से 15 दिन के बीच में करती हूँ, बाकी डेली इस तरीके से ही क्लीन कर लेती हूँ दोनों टाइम। और ये जो एकदम क्लीनिंग के लिए ही कपड़ा आता है वही वाला है, माइक्रोफाइबर क्लीन का कपड़ा आता है, तो इससे अच्छे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो 3 का पैक आता है वो मैं लेके आई थी, तो उसी को यूज़ कर रही हूँ मैं, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है इससे, ड्राई भी बहुत अच्छे से हो जाता है और दाग धब्बे नहीं पड़ते, तो बहुत ही अच्छे से हो जाता है। इसी तरह का यूज़ करती हूँ मैं, और अभी को इसको यहीं पर धोकर रख दूँगी मैं। अभी आ गया है यहाँ पर दूध, तो यहाँ पर मैंने इनके जो हैं पार्ट्स वो लगा दिए हैं, और अभी इसमें रखूँगी दूध गर्म। अभी बज रही लगभग मॉर्निंग की 10, 10, 10:15 का टाइम हो रहा है, इस टाइम पर ही दूध आ जाता है। करती हूँ।
वीडियो यहीं पर मैं एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।